सीट रिजर्व सेक्शन में है, पर तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो और यहाँ बैठी रहो। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो इसकी बात मान लो। गुंगी है। वो कहावत है ना, खामोशी मतलब इकरार। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुना है एक नया शेन आया है, मुझे वो चाहिए। उस बदमाश के लिए काफी दूर जाना पड़ रहा है। सही कहा, इस पर बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। फिक्र मत करो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास एक सीक्रेट मोलेनॉइड इलाज है, सस्परिला। इसे पूरा पीना होता है, इसे पीना होता है। क्या हमें जाना चाहिए? वो जो भी है बहुत ताकतवर है। डैड मुझे ट्रेन नहीं कर पाए, पर वो हमेशा कहते थे कि एक शेन कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। जरूरी नहीं कि अकेले सामना करो। एक के आगे चार। हाँ चलो, मैं सबसे आगे जाता हूँ। अंदर मत जाना। आओ चलो। मैं पहले जरा इस बेचारी की थोड़ी मदद कर लूं। सस्परिला, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ड्यूएल शुरू करें। उम्र में छोटे पतले। ये क्या है? घुटने भी सख्त हैं। देखते हैं तुम विनोइंग में कैसा करते हो। विनोइंग वो किसी तरह का ड्यूएल है। देखो मिस्टर, मैं लेडी मैडम बुरा मत मानना, पर क्या हम बातें करने के बजाय ड्यूअल कर लें? तुम विल शेन के बेटे हो, वो अच्छा आदमी था, इस नाम के काबिल। हम ड्यूअल नहीं करने वाले हैं ना, मैं हूँ इलाई इलाई शेन। इस नाम को कमाना पड़ता है सख्त घुटने वाले। अगर तुम्हें नाम कमाना है तो सुबह होते ही डोजांग ग्रोटो चले आना। नाम से याद आया, आपका नाम क्या है? शनाए इलाय, वो है अनबीटेबल मास्टर। क्या कहा? कौन? कहां गई? मास्टर स्लिंगिंग के हजार राज जानती हैं। मास्टर की नजर पत्थर पिघला सकती है। मास्टर पर्दों को निचोड़कर उसे ग्रेप जूस निकाल सकती हैं। कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर की गई हैं, पर एक बात पक्की है, अनबीटेबल मास्टर जैसा महान स्लग स्लिंगर और कोई नहीं है। वो अपनी मर्जी से सिर्फ एक स्टूडेंट चुनने के लिए सामने आती हैं। 30 साल बाद उन्हें देखा गया है। मास्टर ने आज तक के हर शेन को ट्रेन किया है। मेरा मतलब है, उन्होंने डैड को भी। असली ट्रेनिंग मुझे यहाँ आने के बाद से इसी की तो जरूरत थी। चलो सो जाएं, कल मेरे लिए बड़ा दिन है। कल सभी स्लग टेरेंस के लिए बड़ा दिन है। हाँ बिल्कुल। पता है जल्दी है, मैं भी सो नहीं पाया, मैं सबको जगाना नहीं चाहता था। ये सम्मान की बात है। वो तो है ही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनबीटेबल मास्टर स्टूडेंट चुनने वाली हैं तो मैंने सोचा मैं भी चांस ले लेता हूँ, पर वो शेन्स को सिखाती हैं ज्यादातर। हाँ, पर सिर्फ शेन्स को नहीं। कहा था ना, तुम्हें उस नाम को मेरे लिए कमाना होगा।
मैं सबसे काबिल स्टूडेंट को ही ट्रेन करूंगी, अगर वो तुम हो तो साबित करो। तो ये एक कंपटीशन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दोस्तों तुम आ गए, मेरा साथ देने का शुक्रिया। साथ? हम यहाँ कम्पीट करने आए हैं, तुम्हें लगा ये सब तुम्हारे लिए है? नहीं, हाँ शायद। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं चुना तो बेहतर होगा गैंग में से किसी को चुन लें। हम तुम्हारे खिलाफ लड़कर तुम्हारा साथ देंगे। शुक्रिया। सबका स्वागत है यहाँ विनोइंग में। विनोइंग अनाज को छाटने का एक तरीका है, हवा छिलके को उड़ा ले जाती है और रह जाता है साफ अनाज। मोलोनॉइड्स जानते हैं। अब जो भी एक स्लग मास्टर है इस लाइन पर खड़ा रहे। तुम सब जा सकते हो। एक स्लग मास्टर में स्वार्थ और क्रूरता की जगह नहीं होती। मुझे यहाँ से नहीं जाना। नहीं जाना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वो स्लग कैसे एक साथ काम कर रहे थे? हाँ देखा, तुम भी हमेशा कॉम्बो मूव्स करते हो, पर वो तो कुछ और ही है। बाकी सब सुनो, मैं किसी को कभी भी डिसमिस कर सकती हूँ, वजह मेरी अपनी होगी और मेरा फैसला आखिरी होगा, समझे? देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मास्टर, क्या आप फिर से उस टैंडम शॉट का डेमो देंगी? मुझे जानना है आपने वो कैसे किया। मैं यहाँ डेमो नहीं दिखा रही, कमजोर घुटने वाले चुन रही हूँ। फिर से पूछा तो तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन बना दूंगी। ठीक है, समझ गया। अब जल्दी से संभल जाओ, शुरू होने वाला है 1-on-1 ड्यूल्स। बहुत अच्छे इलाय। शुरू करो। ये कोई डांस कंपटीशन नहीं है। वो कौन है? तुम उसे स्लग स्लिंगिंग कहते हो, मेरी स्पेशल टेक्निक, मैं इसे कहता हूं। अच्छा नाम है। अफसोस बेचारा केव ट्रोल, उसे खुद को संभालना होगा। जाना तुम्हें एलम्पी, जाओ। तुम भी जा सकते हो शोल्डर्स, तुम अच्छे हो पर हर तरफ तबाही मचाने में भी कम नहीं हो। दरवाजा जानता हूं लेफ्ट में है। रुक जाओ, इन्हें लगता है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, इनकी अपनी वजह है, मैंने ही पूछती, हमारे मेहमान बनकर रहो। अच्छे मूव्स हैं, उन्हें अपने साथ बाहर ले जाओ। हंस लो, तुम उस गेट से बाहर जाने के लिए 1 इंच दूर हो। उसे हिट किया? उन्होंने हिट किया, स्लग सिर्फ गोला बारूद नहीं होते, वो तुम्हारे छोटे दोस्त नहीं होते। मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ। पर क्या तुम सुनते हो? तुम भी जा सकती हो लड़की। मास्टर से ट्रेनिंग लेने के बीच सिर्फ एक चैलेंजर बचा है, उसे पहले कभी देखा है? नहीं, पर मेरा एक काम करना, उससे मेरा बदला लेना। गंदा। वही जीते जो अच्छा है। अच्छी बात है, आराम करो लोकी। ट्विस्ट।
इलाई, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं अनबीटेबल मास्टर से ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ? ये कॉन्टेस्ट सभी के लिए है, भूल गए? तो भेस क्यों बदला? माफ कीजिए पर इलाई और मैं विरोधी हैं। मैं नहीं चाहता था कि इसका कॉन्टेस्ट पर कोई असर हो। वही स्लिंगर अपने स्लग के छलावे को शेयर कर पाता है जिसका उससे गहरा रिश्ता हो। मैं भी उसे देख नहीं पाई क्योंकि वो एक पिशाच है। और क्योंकि मैं कुछ साल यहाँ नहीं थी, मुझे पता नहीं एक पिशाच क्या होता है। मुझे स्लिंगर से मतलब है, स्लग से नहीं। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करो। हम एक घंटे बाद आखिरी ड्यूल करेंगे। मिलते हैं, देखते हैं कौन किसको मिलता है। मास्टर शनाई, ओ आप ध्यान में हैं? मैं सो रही थी। मुझे आपको आगाह करना है, आप बीमार हैं ना? मेरी बात छोड़ो, तुम्हें उस पिशाच स्लिंगर से प्रॉब्लम है। उसने हमें धोखा दिया, वो भटका हुआ और खतरनाक है। उसने डॉक्टर ब्लैक से हाथ मिला लिया है। तो फिर शायद तुमसे ज्यादा उसे मेरी गाइडेंस की जरूरत है। समझा नहीं। अच्छाई बुराई हम सब में दोनों ही होती है, बस दोनों का संतुलन होना जरूरी है। मास्टर, मैं ट्विस्ट को अच्छी तरह जानता हूँ। कभी दूसरों के दिल को जानने का दावा मत करो, अपनी अंदरूनी शांति पर गौर करो। क्या तुम्हें यकीन है तुमने सबसे अच्छा रास्ता चुना है? लगता तो है। वाकई इससे मुझे 30 साल पहले का वो दिन याद आ गया। मैंने आखिरी दो एप्लीकेंट्स चुन लिए थे। एक था होनहार नौजवान विल शीन और दूसरा था थाडियस ब्लैक। ब्लैक और डैड, वो दोनों दोस्त थे? दोस्त नहीं, पर दुश्मन भी नहीं थे। वो दोनों विरोधी थे। दोनों में अनोखी बातें थी। तुम्हारे पिता थोड़े से अलहड़ होते हुए भी एक नेचुरल स्लिंगर थे और थाडियस अपनी स्लग स्लिंगिंग की कमी को नए तरीके सोचकर पूरी करता था। पर थाडियस, उसे ना स्लग्स की कद्र थी, ना उनकी परवाह, और ना ही उनके लिए कोई सम्मान था। विल में थोड़ी लापरवाही थी, पर मैंने उसे ही चुना। पर थाडियस, उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। एक चिंगारी जिससे उसने बुराई की राह पर पहला कदम रख दिया था, वो चिंगारी जो मैंने उसमें जलाई थी। मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं हुआ है, पर एक सवाल मुझे सताता है, क्या मैंने उस दिन सही स्टूडेंट चुना था? समझा नहीं। आपने कहा था मेरे डैड सबसे अच्छे थे। तुम्हारे पिता एक महान शेन थे और मेरी मदद के बिना भी वही बनते। पर ब्लैक, शायद मैं उसे उसके चुने हुए बुराई के रास्ते पर चलने से रोक सकती थी। वो सच में ऐसा करेंगी? ब्लैक के साथी को ट्रेन करेंगी? मुझे जीतना ही है। मैं उनके राज ब्लैक के हाथ नहीं लगने दे सकता। इस राज और पिशाच सेना के साथ डॉक्टर ब्लैक को रोकना मुश्किल है, पर मुझे उस बात की फिक्र नहीं है। तो किसकी है? शायद उन्होंने फैसला कर लिया हो। तुम दोनों ने खुद को काबिल साबित किया है। ये एक ड्यूअल नहीं, एक परीक्षा है। फैसला सिर्फ मैं करूंगी। शुरू करो। ट्विस्ट, तुम नहीं जीतोगे। कुछ कह नहीं सकते इलाय। ये क्या फिर से वही होलोग्राम्स? वाह, क्या बात है। क्या बात है एलाय। मास्टर की तरह नहीं था पर ठीक था। हेलो मास्टर, सालों बाद मिले। अपने हाथ आगे करो। तुम्हें मास्टर के राज चाहिए तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये साबित करना कि बेस्ट कौन है। मैंने कर दिया जब मैंने तुम्हारे चेले को हराया।
खुद पर इतना भरोसा मत करो। रीमैच के लिए तैयार हूं तुम दोनों में से किसी के भी साथ। तुम एक घमंडी शेन हो जिसे मैं वक्त आने पर मसल दूंगा, पर मैं अभी यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। आज यहां मैं अपनी ताकत को साबित करने आया हूं, अनबीटेबल मास्टर को हराकर। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थैरियस, पर अगर तुम्हें इससे शांति मिलेगी तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। संभल कर मास्टर, वो बेईमान है, उसके पिशाच भी। मुझे कुछ नहीं होगा, समझे? वो क्या चीज है? एक गैटलर, पर आज तक किसी ने उसका चलने वाला मॉडल नहीं बनाया है। एक और रास्ता है थैरियस, एक बेहतर रास्ता, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब आपके पास मेरे काम की कोई चीज नहीं है। मेरा नाम है ब्लैक, डॉक्टर ब्लैक। कॉर्ड प्रॉन्टो सामना करो। कहाँ हो ट्विस्ट? क्या आप में बस इतना ही दम है? हार मान लो थैरियस, अभी वक्त है सही रास्ता चुनने का। माफ करना थैरियस, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वो क्या था? वो तो स्लग की ताकतों का एक प्योर कॉम्बिनेशन था। फ्यूजन शॉट, मुझे लगा वो नामुमकिन है। सब खत्म। नहीं, डॉग, क्या तुम? बहुत देर हो गई है, मुझे माफ कीजिए। माफी मत मांगो, तुम एक सच्चे शेन हो। तुम यहाँ की गुफाओं में शांति ला सकते हो, बस तुम्हें उसे पहले खुद में ढूंढना है। एक आखिरी रहस्य। अच्छे ट्विस्ट, तुमने अपना काम बखूबी किया। वो घाव तो भर जाएंगे। वो चली गई, मुझे नहीं लगा था आप। उनका वक्त पूरा हो गया था। तुम्हें जितनी ट्रेनिंग चाहिए मैं दूंगा। चलो। नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं और नहीं। तुम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाकर नहीं जा सकते। मैंने सबसे महान स्लिंगर को हराया है, तुम मेरे सामने क्या हो? बच कर दिखाओ। नहीं, आज के लिए काफी है। आओ चलो। गलत का साथ दे रहे हो ट्विस्ट, तुम ये जानते हो।
अच्छी धुन थी प्रॉन्टो। वो तो होगी ही, मुझे यही एक धुन आती है। कितना खुशनसीब हूँ उनसे मिल पाया। अब क्या इलाय, अब तुम्हें कभी मास्टर से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तुम उनके राज नहीं सीख पाओगे। शायद मास्टर देख लिया। वो क्या है? मैंने ऐसी चीज नहीं देखी, पर ब्लैक ने इसे भेजा है। मेरा टेक्निकल दिमाग कहता है ये मशीन बुरा काम करती है। पूरी तैयारी करके नहीं आए ना? ये पिशाच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्लैक पिशाच क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? अंडरटो कैवर्न, पता नहीं था उसका जमीन से भी एंट्रेंस है। बात यह है कि उन्हें जमीन कम पड़ने वाली है, कहीं भाग नहीं सकते। अब हार मानने के लिए तैयार हो? वैसे वो काफी कमाल का था। तो अब हम क्या करें? अपने हाथ ऊपर करो छोटे बच्चों। फिर से मेरी गुफा में चले आए, तुम में काफी हिम्मत है। मैं ऐसा नहीं करता। हम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम ब्लैक को यहां से चीजें ले जाने दे रहे हो। तुम्हें लगता है मैं ब्लैक के साथ हूं? अरे छोड़ो, उसकी वजह से मैं किसी के साथ काम नहीं कर पा रहा, अपने क्रू के साथ भी नहीं। चौकन्ने रहना दोस्तों, वो किसी भी वक्त हम पर टूट पड़ेंगे। ये कोई चाल नहीं है, मेरे साथियों को उसने छीन लिया। ब्लैक ने? ब्रूटेल ने, जिसे ब्लैक ने मेरे गुफा के समंदर के नीचे एक डीप वाटर ड्रिल बनाने का काम दिया है। ब्रूटेल को इस काम के लिए पानी में सांस लेने वालों की जरूरत थी, इसलिए उसने मेरे क्रू को पकड़ लिया। ब्लैक क्यों? काला पानी, वो ड्रिल करके डीप कैवर्न्स तक पहुंचना चाहता है। अब समझ में आया, उसके पास नए पिशाच बनाने के लिए काला पानी नहीं है। अब तुम्हें उस मशीन को रोकना होगा और मुझे ब्रूटेल को मारना है और क्रू को छुड़ाना है। क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें? तुम शेन से ही करते हो, लोगों की मदद है ना? हाँ, जैसे कि हम तुम्हारे साथ हैं। कह दो तुम ये नहीं कर रहे इलाय। हम ड्रेक पर भरोसा नहीं कर सकते, पर अगर हमने ब्लैक को रोका तो हो सकता है हम उसका काम हमेशा के लिए ठप कर दें। तो सौदा पक्का? पक्का। ऐसा है तो उम्मीद है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ समंदर के तल तक आना होगा। उसमें बिल्कुल नहीं, उसका इस्तेमाल करके जो उसके अंदर है। तुम्हारा जहाज तो वही है जहाँ हम छोड़ कर गए थे। तुम किस्मत से वो लड़ाई जीते थे। अब उस पर जाओ और वो मुझे ला कर दो बच्चे।
एक बात बता दूं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, ना ही तुम्हारा बच्चा। क्या शेन गैंग का महा लीडर एक छोटी सी थैली लाना अपनी बेइज्जती समझता है? तो फिर तुम जाओ दोस्त, मदद करो पुराने दिनों की तरह। जैसा बर्ताव तुमने पिछली बार किया था उसके बाद कभी नहीं। अगर तुम मुझे प्रमोशन देते हो तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ या नहीं। क्यों ना हम अपना अपना थैला उठाएं, क्या ख्याल है? बर्फी भीगने के लिए तैयार हो? तो ये कैसे काम करता है? सूट्स तुम जमीन पर रहने वालों को हवा देते रहेंगे और पानी में तैरने में मदद करेंगे। बढ़िया। यहाँ नीचे तुम्हें मेरे और मेरे मिमकी के साथ रहना होगा। बस अपने एयर गेज पर नजर रखना। अगर गहराई में हवा खत्म हो गई, हम जानते हैं, हमें पता है। सब तो तुम जैसे देखते हैं बीकर। कितने शर्मीले हैं। शर्मीले नहीं, होशियार। अगर हम नहीं हिले तो वो चले जाएंगे और शायद जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएं। से लड़ो। ज्यादातर स्लग्स पानी के नीचे स्पीड नहीं पकड़ते। तुम्हें चाहिए एक टॉर्पीडो शेल। टॉर्पीडो शेल। अब ये मत कहना कि तुमने कभी टॉर्पीडो शेल का इस्तेमाल नहीं किया। हम देख लेंगे। एक इन्फर्नस यहां नीचे काम नहीं आएगा। टॉर्पीडो शेल का वक्त नहीं है, एक्वा बीम का इस्तेमाल करो। टॉर्पीडो शेल नहीं चाहिए। तुम्हें पानी के नीचे स्लग स्लिंगिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना है। कॉर्ड, तुम पानी से नफरत करते हो ना, तो फिर तुम कैसे? लड़ने से मैं भूल जाता हूँ, पर तुमने मुझे याद दिला दिया, शुक्रिया। घेरा बनाओ और एक दूसरे को कवर करो। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम एक गोला बनाकर उन्हें हरा नहीं पाओगे। अब सब फैल जाओ। ऑर्डर देना बंद करो, ना तुम हमारे कैप्टन और ना ही हम तुम्हारा क्रू। तुम मेरे बगैर कैवन शाक को संभाल नहीं पाए। अगर तुम अपने दोस्तों की सलामती चाहते हो तो चलो। वो क्या था? उसने शार्क्स को भगा दिया। तुम्हें पता है ना, अगर शार्क्स उससे डरती हैं तो वो जरूर शार्क्स से भी डरावना होगा। ये तो वही मशीन है जो एक बड़ी मशीन का हिस्सा है। वो है क्या? वो ड्रिल है। वो काले पानी तक नहीं पहुंचे। और वो कौन है? मैं बताता हूँ, वो ब्रुटेल है। सही कहा, वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? जानता हूँ बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं उसे अच्छा दिखता हूँ। उसने देख लिया,
हमला करो। मेरे भाई का मुंह तोड़ दो। एक और शॉट। ठीक है दोस्त। पानी के हीरो मदद करो। तुम मेरे लोग ले गए। तुमने सालों पहले इसकी शुरुआत की थी जब तुमने मुझसे चोरी की थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं चुराया। हम ड्रेक्स परिवार वालों को नहीं लूटते। तुम मेरा क्रू लेकर चले गए थे। जब तुम ज्यादा सोना दो और वो उसे लेने का फैसला करें तो उसे चोरी नहीं कहते। ये हमें वफादारी की आपसे ज्यादा कीमत देते हैं। तुम सबके सब गद्दार हो। क्या ऐसा लग रहा है यहाँ बचाने लायक कोई नहीं? तुम्हें यहाँ नीचे अच्छा लगने लगा है? बार बार याद मत दिलाओ। वहाँ जल्दी यही मौका है। मेरे पीछे आओ। ब्रुटेल को पकड़ो। ऊपर जाएंगे इस मशीन को तबाह करने। बिल्कुल भी नहीं बच्चे, तुम मेरी बात मानोगे। चलो। बढ़िया था। इस तरफ जल्दी आओ। अगर मुझसे ऑर्डर्स लेने में एतराज नहीं है तो। तुम यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानते, फिर भी मेरे ऑर्डर्स ना मान के अपने क्रू को खतरे में डालते रहते हो। हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर जब इस क्रू को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जाकर अपने कैप्टन से बात करेंगे, जो कि तुम नहीं हो। और क्रू से याद आया, तुम्हारा क्रू किसी ने नहीं चुराया, उन्होंने तुम्हें छोड़ा। ये तुम दोनों भाइयों का मामला था। तुमने बस हमसे झूठ कहा। सब कुछ झूठ था। हाँ, मैंने झूठ कहा। मैं एक लुटेरा हूँ, पर अपने भाई से बदला लेने की बात सच थी। मुझे अपने काम में तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने काम में मेरी। अगर हम मिलकर काम करें तो हम ये जंग जीत सकते हैं। हमारे यहाँ तक पहुँचने की वजह यही है। क्योंकि मैंने इसकी बात नहीं मानी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जानता हूँ, पर हम इस जगह से अनजान हैं। हमें मौका मिला है ब्लैक को गहरी चोट पहुँचाने का। इसके साथ काम करने में खतरा है, पर यहाँ हमें इसकी ज़रूरत है। ये खतरा उठा लेना चाहिए। तुम सब बड़ी दुविधा में हो। मैं दिन भर यहाँ इस पर बात कर सकता हूँ, पर तुम नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। सही किया, क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। अब तुम मुस्कुराओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसमें हम सबको अलग होना है। कॉर्ड वहां। अगर हम उस वेंट को खोलकर कुछ प्लोडर्स अंदर फायर करें तो उस मशीन को तबाह कर सकते हैं। पहले हमें ब्लैक के चमचों से निपटना होगा, जो मुमकिन है अगर ड्रेक अपना काम करके अपने भाई और बाकी लुटेरों को संभाल ले तो। इस बात की तसल्ली है कि उसे अपने भाई से नफरत है। हमेशा मुझे ही काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैं कैप्टन हूँ और तुम मेरे दाहिने हाथ हो। ये क्या, तुमने मुझे प्रमोट किया? अब क्या तुम उसे छोड़ दोगे? Thank you.
रुक जाओ, ये मेरे और मेरे भाई के बीच का मामला है। चलो दोस्तों। तो क्या तुम बचपन में मुझसे की हुई चोरी की माफी मांगने आए हो? मैं तुम्हारे उस झूठे मुंह पर एक मुक्का मारूंगा। मैंने चोरी नहीं की थी। तुमने की थी? नहीं की। की थी? नहीं की। की थी? नहीं की। की थी? नहीं की। कॉर्ड उस वेंट को खोलना है। चोरी की थी? बताओ मैंने तुमसे क्या चुराया था? मेरा मिमकी। क्या मैंने इसे नहीं चुराया था? तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर यह दिया था। सच में? सही कहा, दिया था। तो अब क्या? चलो इसे तबाह करें। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मुझे ड्रिल को रोकना नहीं क्योंकि वो काले पानी के बहुत करीब है और ये हम दोनों भाइयों की है। सच कहूं तो मैं हमारे प्लान पर ही चलने वाला था, पर मुझे एक बेहतर ऑफर दिया गया और हम लुटेरे इसी तरह से काम करते हैं, इतना तो तुम जानते ही होगे। जानता हूं। मैं तुम्हारे क्रू को मेरा साथ देने के लिए 10 गुना पेमेंट ऑफर करता हूं। सच्ची? नहीं। उन्हें डुबा दो। मैं यही कहने वाला था। ड्रिल किसी भी वक्त काले पानी तक पहुंचेगी। ड्रेक हमें और हवा वाले डाइव सूट तो देगा नहीं। वेंट अभी खोलना होगा। मैं अभी खोलता हूं। कवर करो। घबराओ नहीं भाई, मैं इसे संभाल लूंगा। ये मेरी मदद के बिना कुछ भी करने के काबिल नहीं है। मैं जल्दी सीखता हूं। बहुत बढ़िया, ग्रास्पिंग सीवीड में फंस गए। तुम मदद करना चाहते हो पर तुम्हारी आग यहां काम नहीं करती। बर्फी रुको, तुम हाथ ऊपर करो। तुमने मेरी बात मानी देखकर अच्छा लगा। तुम इसे मारोगे? खुशी से। बेवकूफ, मिमकी जाओ। नहीं, मेरे मिमकी को वापस करो। वो मिमकी तुम्हारा नहीं, मेरा था भाई। अब शाक को पकड़ो। कॉर्ड ज्यादा वक्त नहीं है। हो गया। कुछ हो क्यों नहीं रहा? लगता है इसे रोकने के लिए एक हॉप रॉक काफी नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इसे अंदर खींचे। अगर ये इतना एक्साइटिंग ना होता तो मैं डर के मारे चीख रहा होता। तुम कर सकते हो। ठीक है बीकर।
ब्लैक के ड्रिल की तबाही जरूरी थी, पर मेरे लिए इस गैंग से जरूरी और कुछ नहीं। तुम भी बीकर मुझे माफ करना। हाँ। हे ट्रिक्सी बोल रही हूँ, और आप सब जानते हैं स्लगटेरा में जुर्म की लहर चल रही है। करीब एक हफ्ता हो गया है और हमारा रहस्यमय चोर अब भी चोरियाँ कर रहा है। स्लगनेट पर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इलाय और बाकी का शेन गैंग उसकी तलाश कर रहा है, और अगर किसी को पता है वो चोर कहाँ है तो मुझे पता है, वो यहाँ है। रुको, डेना पॉर, तुम फिर से कहोगी? मैं चाहती हूँ सबको पता चले स्लगटेरा की सबसे अच्छी चोर कौन है। वापस यहाँ आओ, मेरा कैमरा वापस करो। निशाना। अरे कहाँ चली गई? उसने ये कैसे किया? इसे पार नहीं कर पाएगी। अगर कर देगी तो हमें अपने सामने पाएगी, पर उम्मीद करो कि हमें यहां ज्यादा देर ना रुकना पड़े। मुझे भूख लगी है, लेकिन हम नहीं जानते वो यहां चोरी करेगी या नहीं। जरूर करेगी, वो अब तक स्लगटेरा के हर हाई सिक्योरिटी टारगेट को हिट कर चुकी है और फिर गायब हो गई। साथ ही उसने हमारे लिए स्लगनेट पर काफी सुराग छोड़े हैं मेरा कैमरा इस्तेमाल करके। उसके आने तक मैं इस क्रॉसवर्ड को सुलझाने की कोशिश करूंगा। सॉरी, मुझे खाना चाहिए, और मुझे ध से शुरू होने वाला एक वर्ड चाहिए जो चौंका दे। लिखो धमाकेदार। डेना, पर वो अंदर कैसे आई? बातें कम, उस कैमरा चोर को पकड़ने की कोशिश करो। संभल कर ट्रिक्सी, तुम अलार्म सिस्टम को बचाना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ। हेलो, तुम्हारा वाला बेहतर है। चलो मैं इसकी एक फोटो ले लेती हूँ। मेरा कैमरा। बहुत हुआ डेना, हमारी पहली मुलाकात में लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें सही काम करने का हर मौका दिया, पर तुम सिर्फ एक बेकार चोर हो।
हाँ, और तुम मुझे चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे पास ही अनार्कनेट स्लग नहीं है, तुम जो कर सकती हो वो हम भी कर सकते हैं। वो यहां से निकल ही नहीं सकती। हाँ, पर निकल गई, लगा जैसे वो शैडो में गायब हो गई। पर कैसे? हाँ, हमने फिर से कर दिया, पर इससे अच्छी चोरी करना मुश्किल होगा। मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ। आखिरी काम, और हम स्लगटेरा के इतिहास के बेस्ट चोरों को रिटायर कर देंगे। दोस्तों, भले ही वो हमसे बचकर निकल गई, पर म्यूजियम में जाकर फायदा भी हुआ ना। हाँ धमाकेदार, मैं ये कभी नहीं सोच पाता। किसी ने हमें वहां लहराते हुए नहीं देखा, कुछ फ्लॉपर्स की तरह। उसने वो स्लगनेट पर डाल दिया मेरा कैमरा इस्तेमाल करके। आखिर डीना वहां कर क्या रही थी? वो म्यूजियम के गिफ्ट शॉप से बस एक टी शर्ट ले गई। हमें बुरा दिखाने के अलावा उसे इस बात में मजा आ रहा है कि वो कहीं भी जा सकती है और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। तो अब उसका मजा खत्म हो जाएगा, म्यूजियम में घुसना मुश्किल है। नहीं, एक जगह है, डॉक्टर ब्लैक। कल रात वाला स्लग बॉल गेम देखा, बड़ा ही मजेदार था। ब्लैक ने यहाँ चोरी करने लायक कुछ तो रखा होगा। अरे वाह, ये क्या है? मिल गया। बढ़िया, मैं मदद करूं। कौन हो तुम? बस एक मामूली चोर। मैं तो बस तुम्हारा टेंशन वाला चेहरा देखना चाहती थी। ठीक है, मैं ये नहीं देखना चाहती थी। प्लीज अपना ब्लास्टर वापस ले लो। वो तो मैं लूंगा ही, तुम यहां से कुछ भी लेकर नहीं जा पाओगी। तुम भी यहां से नहीं जा पाओगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना ब्लास्टर चोरी हो जाना एक स्लिंगर के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक और कुछ भी नहीं। सब ठीक है बॉस, मैंने कुछ खो दिया। मैं सबको बुलाता हूं। रुको, ये बात बाहर नहीं जाएगी। बॉस, मैं किसी को ढूंढता हूं जो होशियारी से इस मुसीबत को निपटा दे। बाल बाल बच गए, पर मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। डॉक्टर ब्लैक जरूर गुस्से में बाल नोच रहा होगा। पता नहीं था यहाँ ऑडिशन देना होगा। अफसोस की बात है तुम्हारे लिए। मैं अपनी पहचान करवाता हूँ। मैं
हाँ, वही जो खुद को कहता है द जेंटलमैन। बीच में मत बोलो, मैं कहने वाला था मुझे ही ये काम मिलने वाला है। अच्छा, बढ़िया मजाक है। मुझ पर शक मत करो, एक जेंटलमैन वादा निभाता है। हमें अपना आदमी मिल गया, तुम मुझे दो चीजें लाकर दोगे, एक ब्लास्टर और उसे ले जाने वाली लड़की। हम यहां सुरक्षित हैं, हमने कहीं निशान नहीं छोड़े। तुमने गलत कहा। कौन? मेरे ख्याल से तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, है ना? तुम इसका अंत भी जानती होगी। तुम ये ब्लास्टर ले सकते हो, ये सिर्फ एक मजाक था। इससे काम हो जाएगा, पर तुम्हारा नहीं। मैंने ब्लास्टर और तुम्हें पहुंचाने का वादा किया है, और एक जेंटलमैन हमेशा वादा निभाता है। आखिर वो लड़की चली कहां गई? चलो उसका पीछा करें। फिक्र मत करो, बस यहां से गुजर रही हूं। बर्बादी, 10 घंटे ब्लैक की गुफा के बाहर बैठे रहे। शायद दूसरे रास्ते से गई। यकीन मानो, अगर मुझ जैसा तेज नजर और नाक वाला उसे ढूंढ नहीं पाया, इसका मतलब उसे ढूंढना मुमकिन नहीं है। देखा, मैंने उसे ढूंढ निकाला। हाँ, तुमने पकड़ लिया। अब जरा जल्दी दरवाजा बंद करो। एक सेकेंड रुको, क्या तुमने हमें अपनी चोरियों से चक्कर में डाला हुआ था? अब हार मान रही हूँ। मेरा कैमरा। समझा नहीं, तुमने हार क्यों मानी? उस वजह से। खुद को जेंटलमैन कहता है, डॉक्टर ब्लैक का आदमी है। तुमने ब्लैक के यहाँ चोरी की कोशिश की? कोशिश नहीं, चोरी की। और अब ब्लैक को बदला चाहिए। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। डेना ने मुझे सब बता दिया, वो ब्लास्टर अंदर है, अंदर जाकर ले सकते हो। मुझे तुम्हारा ऑफर ठुकराना पड़ेगा, वो लड़की भी चाहिए। नहीं, मुझे उसका काम पसंद नहीं, पर मैं उसे डॉक्टर ब्लैक के हवाले नहीं करूंगा, मैंने उससे वादा किया है। मुझे वादों की कदर है, अब हमें कोई और रास्ता निकालना होगा इस समस्या को हल करने के लिए। समस्या यही चाहिए था। शुक्रिया। उसे अलविदा कहना चाहिए था। तुम बिना अलविदा कहे क्यों जा रहे हो?
छोटा डिस्ट्रैक्शन, सही कहा। लगता है डेना भाग गई। नहीं भागी। इसका क्या होगा? मेरे पास आइडियाज हैं। अगर मैं अपनी की हुई हर गलती सुधार सकती तो मैं सुधार लेती, और हम ऐसे ही मान लें। तुम मेरी बात मानो, मुझे इस पर भरोसा है। थैंक्स इलाय सबके लिए। थैंक्स मत कहो, सही साबित करो। मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होगा। तुम कुछ नहीं जानते, तुम जा सकते हो। क्या सच में ये बुरे लोगों में से एक है? पर बातें अच्छी करता है। ब्लास्टर लौटाने के बाद भी ब्लैक इसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। इसकी सुरक्षा के लिए हमें ये करना ही होगा। ब्लैक से कहना कि मुझे चिलबोर कैवन में आके मिले अकेले। अब जो भी करना है हम वहीं करेंगे। लो मैं आ गया। तो उसे लाए या नहीं? दे दो, तुम अभी अकेले हो, मेरा कहना मानो। यकीन नहीं होता कि वादा निभाया। यकीन होना भी नहीं चाहिए। तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। मेरी दोस्त है वो। शार्ड ने अपना काम किया, जेंटलमैन ने अपना वादा निभाया। डरो नहीं, तुम ठीक हो, स्लग्स भी ठीक हैं, मेरी वजह से। उसने इसका दिल या दिमाग क्रिस्टलाइज किया होगा तो क्या करेंगे? नहीं किया। क्या हुआ था? जो हमने प्लान किया था। ब्लैक से कहना कि मुझे चिलबोर कैवन में आकर मिले अकेले। अब जो भी करना है हम वहीं करेंगे। ब्लैक को यकीन दिलाएंगे कि उसे ठिकाने लगाया गया है। ब्लास्टर मिलने के बाद भी ब्लैक बिना बदला लिए रुकेगा नहीं। तुम अपनी उस आग का इस्तेमाल करके डेना को ऐसी जगह मारना जिससे लगे कि वो मर गई। उसे जरा भी चोट पहुंचाए बिना मंजूर है? लगता है मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। वादे का पक्का हूं, मैं डॉक्टर ब्लैक को ब्लास्टर और ये लड़की दोनों दूंगा। और तुम ऐसा ही करोगे, फिर तुम मुझसे किया हुआ वादा निभाओगे।
तो अब ब्लैक को लगता है मैं पानी में डूब चुकी हूँ, इतना ही, मैं बच गई हूँ। छिप कर रहोगी तो इसका मतलब अब से चोरी बंद। थैंक्स। थैंक्स मत कहो, सही साबित करो। करूंगी। कहाँ चली गई? उसने हमें चौंका दिया। मुझे उस पर भरोसा हो गया था। बढ़िया। शैडो क्लैन टेक्नोलॉजी। तो इससे तुमने वो किया? ये कहाँ मिला? तुम्हारे संदूक में, वो जिसमें शैडो टॉकर था। ये चीज मुझे शैडो से गुजरने देती है, शैडो क्लैन की तरह। और तुमने इसे चुरा लिया। यही मेरा काम है, यही मेरा काम था। मैं चुराई हुई हर चीज लौटा रही हूँ, इसे भी। नहीं, माफ करना, क्या यह किसी तरह का कोड है जहां ना का मतलब हाँ होता है? क्योंकि इस तरह के ताकतवर डिवाइस को डॉक्टर ब्लैक कब्जे में करना चाहेगा, कुछ सोचा तुमने? ये डेना रखेगी, ये उसके पास सुरक्षित रहेगा, जिसे ब्लैक मरा हुआ समझता है। वैसे भी मुझे इस पर भरोसा। लुमिनो ओर स्लग 13 में रोशनी का एक जरूरी साधन, और इसलिए हमारी सबसे जरूरी चीजों में से एक। तुम्हारा सिग्नेचर लुमिनो कैवन के सारे ओर का हकदार मुझे बना देगा, जिसकी कीमत मैं तय करूंगा। वो ओर पूरे स्लग 13 का है। अब नहीं। वो न्यूरोटॉक्स स्लग्स हैं। नहीं, वो न्यूरोटॉक्स पिशाच हैं, और मेरे ख्याल से उनके वहां होने से ये नेगोशिएशन खत्म होता है। ठीक है, बाकी का काम मेरा साथी संभाल लेगा, और ट्विस्ट, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसका इंतजार है? साइन करो। क्या हम रीनेगोशिएट करें? नहीं करोगे, जानते हो वो क्या करता है? ये तुम भी जानते हो। हमने ब्लैक को अनबीटेबल मास्टर को मारते हुए देखा था, पर तुम ब्लैक नहीं हो। क्या लगता है, मुझमें हिम्मत नहीं, मैं इस डील को ऐसे ही जाने दूंगा? लोकी, तुम लोकी के छलाव में फंसना बंद कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? क्या कर सकते हैं? नहीं, पर उनका शिकार बनने के लिए नहीं रुकने वाला। हमें निकलना होगा, वरना हम पत्थर बन जाएंगे। अंदर सभी पत्थर बन चुके हैं। आइस वॉल से बादल को रोकेंगे, पर माइनर्स, उनके लिए हम इस गुफा की हर चीज को पत्थर नहीं बनने देंगे।
बादल बढ़ता ही चला गया। एक तरह का रिएक्शन, ऐसा उन नियोटॉक्स के पिशाच होने की वजह से ही हुआ है। ये कब तक टिकेगी? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो दीवार टिकी रहनी चाहिए 10 घंटे 22 मिनट और 31 सेकंड तक, और फिर 5 सेकंड का फर्क हो सकता है। 10 घंटे में किसी ऐसे को खोजेंगे जो नियोटॉक्स लग्स और उन्हें रोकना जानता हो। बस एक ही स्लिंगर था जिसे उन्हें अपना सिग्नेचर स्लग बना लिया, ब्लाइट। जब से तुम्हारे डैड ने उसे गुफा में बंद किया था, किसी ने उसे नहीं देखा। वो ये करेगा। एक मिनट, वक्त की गुफा एक भूल भुलैया है, लेकिन भूलो मत, तुम्हारे पास रास्ता दिखाने के लिए एक मोलेनॉइड है। हमें अंदर ले जा पाओगे? उस गुफा के अंदर और बाहर जाने का रास्ता ढूंढना हर मोलेनॉइड का सपना है। चलो इतिहास रचते हैं। असल में वो दूसरी तरफ है। ब्लाइट और मेरे डैड का क्या किस्सा है? उनका नाम जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, तुम ऊपर की बजाय स्लग 13 में बड़े होते तो ये नाम जाना पहचाना नहीं, भयानक लगता। ब्लाइट का स्लिंगिंग स्टाइल बहुत क्रूर था। वो स्लिंगर्स पर एक नियोटॉक से हमला करता और फिर उनके बनाए हुए बादल में कूद पड़ता। ब्लाइट गैस मास्क से सुरक्षित रहता पर बाकी के स्लिंगर्स नहीं। वो लोगों को परेशान करता, उसे कोई नहीं हरा सकता। विलशेन ने कोशिश भी नहीं की। तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ा खतरा उठाया था। ब्लाइट को फंसने तक एहसास नहीं हुआ कि वो एक चाल थी। शेन, फिर ब्लाइट का क्या हुआ? कोई नहीं जानता, इस जगह से लौटने का कोई रास्ता नहीं। जो मुझे देगा ढेर सारी शौहरत, लेकिन अंदर जाकर जान तो खतरे में होगी ही। माइनर्स और बाकी सबको बचाने का मौका है तो मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना। ओसलग 13 की सबसे रहस्यमय जगह को रिकॉर्ड करने का मौका गवा दे? कभी नहीं। आम दिनों में तुम मेरे बिना खो से जाते हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मेरे बिना अंदर जाने दूंगा? प्रॉन्टो भी मौत से नजरें मिलाकर कहेगा कि हे रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई। साथ रहना होगा। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? प्रॉब्लम? तुम मेरे साथ रहकर ऐसा सोचना बंद करो। डरो नहीं, मेरे पास है एक सीक्रेट प्राचीन मोलेनॉइड ट्रैकिंग मेथड। वो क्या है? अगर बता दिया तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा। भरोसा रखो, डरने वाली कोई बात नहीं। रिलैक्स, वो सिर्फ एक छोटा सा डायनासोर है। मैं बस चौंक पड़ा था। इस मुसीबत को मैं संभालता हूं। वो जोड़ियों में आते हैं, पर कोई बात नहीं, चाहे वो कैसे भी आए मैं उन्हें आसानी से संभाल लूंगा। पर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सब आत्माओं, हमें किसी भी तरह इनसे छुटकारा पाना है। चलना होगा। रास्ता बनाता हूँ, फिर चलते हैं। रेडी? यहाँ पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है। ठीक है, मुझे ऐसे पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। भागो। यहाँ।
लगता है वो ब्लाइट है। और पास मत आना, हमें जाना होगा, उसे बहुत गुस्सा आएगा जब वो जागेगा। इलाई, हम बुरे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो शायद पीछे जाओ या फिर खाना बनने के लिए रुके रहो। मैं तुम्हें तीसरा रास्ता बताऊंगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे एक अरसे के बाद मिले हैं, क्या नए शिकार, नए लोग? यह अच्छी बात है, उसे हम पर शक नहीं है। यहां हर जीव एक दूसरे को खाता है या आपको कुछ बताता है। तुम यहां सालों से हो, मैं समझ सकता हूं तुम्हें। खाना, खाना। मुझे तुम्हें पहला बाइट देना चाहिए था, पहले तुम खाओ। कौन सी चीज जहरीली है यहां पता नहीं चल पाता। मेरी पारखी नजर मुझसे कह रही है कि यह आदमी अब कैसे कहूं पूरी तरह से पागल हो चुका है। हाँ, पर ये अच्छा लग रहा है, एक अजीब से डरावने तरीके से। जैसे लोग कभी नहीं बदलते, वो चाहे एक ही जगह कितने साल भी क्यों न रह जाएं। बस वो हमारी मदद करने जितना ठीक हो, वक्त निकल रहा है। इलाय। हाँ ठीक है। तो हमने देखा कि तुम नियोटॉक्स लक्स के बारे में काफी जानते हो, अच्छी बात है, क्योंकि हमें इस तरह की जानकारी वाला बंदा चाहिए। तुम्हारी मदद चाहिए, हमारे साथ ल्यूमिनो कैवन चलो। क्या? साथ चलूं? तुम यहां मेरी तरह फंस चुके हो, हम इस गुफा में जिंदगी भर के कैदी हैं। हम तुम्हें बाहर निकाल कर वहां ले जाएंगे, बदले में तुम लगातार बढ़ने वाले एक म्यूटेंट नियोटॉक्स क्लाउड को रोकने में मदद करोगे। बाहर का रास्ता, वो बादल जो बढ़ता जा रहा है, उसे कहते हैं नियोटॉक्स फॉग। हमारी बात समझ गए। ऐसा तब होता है जब कई सारे नियोटॉक्स एक साथ फायर किए जाएं। मैं नियोटॉक्स फॉग को रोक सकता हूं। उसे रोको, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम अभी आते हैं मिस्टर ब्लाइट। सच में करना है? वो आदमी कितना बेवकूफ है और खतरनाक भी। तुम्हारे डैड ने उसे यहां बंद किया, उसके दिल में अभी शेन के लिए नफरत होगी। वो नहीं जानता मैं कौन हूं और हम उसे बताएंगे भी नहीं। जानता हूं इसमें खतरा है, पर ल्यूमिनो को बचाने का यही रास्ता है। अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम ब्लाइट को संभालने का रास्ता निकाल लेंगे, बस अपना ख्याल रखना। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, पर पहले तुम्हें अपने हथियार देने होंगे। मेरा नाम बदनाम है, बाहर जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अब सब तुम पर और तुम्हारे प्राचीन मोलोनाइड सीक्रेट के हाथ में है। ऐसा है तो हम दरवाजे से कुछ ही पल दूर हैं। मेरे पीछे आओ। प्रॉन्टो दरवाजे तक पहुंचने में कुछ पल से ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि किसी ने मेरा रास्ता चुरा लिया। चुरा लिया मतलब तुमने उसे खो दिया। प्रॉन्टो, वक्त बहुत कम है। उस दानों ने हमें सूंघ लिया है। हाँ हाँ, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम उस रास्ते पर चलेंगे
जो मैंने अब तक खोया नहीं है। मेरे मोलोनॉइड ट्रैकिंग से छेड़छाड़ हुई है। मैंने ब्रेड के टुकड़े से रास्ता बनाया था और अब वो यहां नहीं है। ये थी तुम्हारी प्राचीन मोलोनॉइड सीक्रेट, ब्रेड के टुकड़े। मेरा रास्ता खाकर थूक रहे हो, उसकी इज्जत करना सीखो। थोड़ा जोर से बोलोगे, लाइट को भी बता दो कि हम रास्ता खो चुके हैं। डायनो उल्टी का पीछा कर सकते हैं अगर वो दिखे तो। बदकिस्मती से मैं उसे सूंघ पा रहा हूं। प्रॉन्टो तुम जीनियस हो। वो तो मैं हूं, क्योंकि मैं सूंघ कर रास्ता दिखा सकते हो। सही कहा, सच में। वहां इस तरफ। हम करीब हैं। बाहर का दरवाजा, हम पहुंच गए। चलो चलें, हमारे पास शायद आधा घंटा ही बचा है। स्लग्स ने बनाया है। पिशाच बने नियोटॉक स्लग्स ने, यहाँ काफी कुछ बदल गया है। लाइट क्या करें? मेरा सामान। डील के हिसाब से तुम पहले नियोटॉक्स फॉग से निपटो। मैं ब्लास्टर के बिना उससे निपट नहीं सकता। मेरा हेलमेट। नहीं, पहले वो फॉग। ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ। थैंक्स, तुमने लुमिनो को बचाया। एलाइवो वाइंस। ये क्या हो रहा है? भागो, भागो। पिशाच वाली गैस का काम है। लाइट का काम हो गया, अब हमारी बारी। दोस्त, अब प्रॉन्टो की जिम्मेदारी है कि वो शेन गैंग को बचाए। शेन विल शेन अब नहीं है, उसकी जगह ली एक लड़के ने। ये शायद उसका बेटा है। मैं आज बदला लूंगा तुमसे। तैयार रहो। बढ़िया डॉक, लाइट पर भरोसा करना गलती थी। मुझे लगा था ऐसा होगा। शैतान पौधे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। नहीं, ये कि ब्लाइट मुझे फिर से उसे वक्त की गुफा में डालने की वजह देगा।
उसे अपने पीछे वहां ले जाएंगे जहां उसे होना चाहिए, वक्त की गुफा में। उसे दूर रखो, प्रांटू का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता है। तरह छिपना बंद करो, अब तुम कुचले जाओगे, अब नहीं बचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जहर सो जाओ हमेशा के लिए। गंदी गैस, क्या हम जीत गए? क्या हुआ?